लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई महानगर पालिका के अतिक्रमण अधिकारी अब गरीबों की झुग्गियां तोड़ने और उन्हें बेघर बनाने के साथ ही उनकी जान के भी दुश्मन बन गए हैं। जी हाँ, नेरुल में एक झुग्गी तोड़ने के दौरान जिस तरह घर में सोए हुए भीमराव गजभरे पर जेसीबी चढ़ाकर मारने की घटना सामने आई है, वह इसका बड़ा सबूत देती है। चश्मदीदों की माने तो मनपा के जल्लाद अधिकारियों ने ही मजदूर भीमराव पर जेसीबी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं भीमराव के रिश्तेदारों ने इस मौत के लिए नेरुल के वार्ड अधिकारी भरत धांडे और जेसीबी ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराते हुए सभी दोषियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। हे लोग संरक्षण करना रहे ना माणसाचं, मग यांनी संरक्षण करा तर हाताने माणसं माराचे। जिसे भी गया उसके ऊपर से गया उसके ऊपर से। हाँ, मारने सुने गया जिसे भी उसके ऊपर से गया झोपड़ी के ऊपर से बोले जिसे भी गया झोपलेला तो काय तो कोणाला काय माहित नाही तिला पेलेला होता ते। डायरेक्ट मान नवऱ्याला जेसीपीने उडवून टाकलं। तस्वीर में बिलख रहा यह मासूम उस अभागे मजदूर भीमराव गजभरे का बेटा है जिसे नवी मुंबई महानगर पालिका के अतिक्रमण अधिकारियों ने जेसीबी चढ़ाकर मार डाला है। जी हां, यह कारनामा उन जल्लाद मनपा अधिकारियों का है जो नेरुल गांव देवी मंदिर के सामने बसी इन झुग्गियों को तोड़ने आए थे। स्थानीय चश्मदीदों का आरोप है कि कार्रवाई की जल्दी में वे झोपड़ी में सोए भीमराव गजभरे को बाहर निकालना भी जरूरी नहीं समझे और उस पर जेसीबी चढ़ा दी। ताज्जुब इस बात का है कि ऐसी कार्रवाइयों में नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखने वाली पुलिस और जिम्मेदार वार्ड अधिकारी भी मजदूर की मौत का तमाशा देखते रहे। फिलहाल इस कार्रवाई पर मनपा और पुलिस के अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन चश्मदीद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि यह खुलेआम की गई हत्या है जिसके लिए मौके पर मौजूद पुलिस और मनपा के अधिकारी दोनों जिम्मेदार हैं। इधर कम से कम 80 पुलिस थे और 25 तो 40 उनके नगर पालिका के आदमी थे और उस दरमियान में यह हादसा हुई कि एक आदमी झोपड़ी में सोया था और वो झोपड़ी को डायरेक्ट जेसीबी से तोड़वा दिया और उसको आदमी को खत्म कर दिया। जब वो भाई लोग सामने गई तो उनको उन अधिकारी ने बाजू कर दिया और वो आदमी का मृत्यु हो गया। हे लोग संरक्षण करना रहे ना माणसाचं, मग यांनी संरक्षण कराच हाताने माणसं माराचे। हे कोणता सरकारने न्याय काढला का? सरकार आम्हा आपल्याला मदत करणार आहे ना? माणसं मारा लागले रोडवर तर रस्त्यावर आणून टाकायचे। हा, मग या लोकांनी झोपड्याने धुंडले नाही, झोपड्या पाहिल्या नाही, सर्व अतिचार करून सनी त्याच्यावर जेसीबी घालून जागेत मारला तर त्याच्या छातीला इथं पण मार आहे आणि त्याच्या जीवन घर सगळं चेनलं। या लोकांचं कर्तव्य नव्हतं का बाहेर झोपडे हिंडून सरळी पाहायचं आणि माणसं काढायचे झोपड्यांचे? मग हे सगळं अन्याय पोलीस वाल्यांनी आणि म्युनिसिपॅलिटी वाल्यांनी केला। आम्हाला जीवाला जीव लागण तर आम्ही या झोपड्यातून निघण, नाही तर आम्ही निघणार नाही। आम्ही एवढ्या वर्षापासून इथं राहतो, आम्हाला घर नादार काही नाही। म्युनिसिपॅलिटी येऊन इथं आम्हाला कमी करून सांगायला पाहिजे ना की हाताला तोडा काही करा। डायरेक्ट जेसीबी आणायची काय जरूरत येते? जेसीबी आणायची राहिली तर डायरेक्ट इथं मिळेल असतं माणूस। तुम्ही हाताला तोडा काही करा। हा, हाताने तोडला असता तर एवढा मृत्यू नाही झाला असता माणसाचा आमचा। तर आम्ही इथं गरीब लोक आहे, आम्हाला काही ना काही न्याय भेटले पाहिजे। आज ते माणूस मेला। अब जरा जान गंवाने वाले मजदूर भीमराव गजभरे की बीबी और उसकी बूढ़ी माँ का दर्द भी सुन लीजिए, जिसे नवी मुंबई महानगर पालिका के जल्लाद तोड़ू दस्ते ने जेसीबी से कुचल कर मार डाला है। अपने पति की मौत के बाद गूंगी बेटी समेत तीन बच्चों की चिंता से मुसीबत में पड़ी यह बेवा मांग कर रही है कि उसके पति के हत्यारों पर कार्रवाई हो।
जिन्होंने जान ली है उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो और उसके मासूम बच्चों को न्याय दिया जाए। दोन पोरगी आणि एक मुलगा है बाबा आणि एक पोरगी मुख्य है आणि त्याच्या अंगावरून एसीपी घातली बापा काय करा त्या अतिक्रमाचे झोपडे लगेच उडवले उडवले की माझा मिस्टर तिला झोपून होता त्यांनी बघितलं नाही काय नाही डायरेक्ट मा नवऱ्याला जेसीपीनं उडवून टाकलं की माझ्या मिस्टर अत्याचार करून टाकला आता कोणापर्यंत जगायचं माझी लेकरं कोणापर्यंत मोठे करायची माझी मुक्की कोणापर्यंत मोठी करायची हे तुमच्या मला न्याय पाहिजे सरकार मधून मलाचा न्याय द्या तुम्ही। माझा भाऊ भीमराव किशन गजबारे ते इथे राहत होते एका माणसावर ते पाच कुटुंब जगत होते यांच्यावर त्यांनी झोपल्या जागेवर जेसीपी टाकून मारण्यात आला त्याच्यानंतर हे कुटुंब कसं जगेल याची चिंता सरकारने घ्यावी। आता फिलहाल सूत्रों की माना तो इस हत्या के मामले को दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। मनपा अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें हत्या की बजाय कुछ और कहानी लिखी गई है ताकि तोड़ू कार्रवाई में हुई भीमराव गजभरे की मौत को झुठलाया जा सके। नकली रिपोर्ट भी बनाने की तैयारी है लेकिन TV1 इंडिया भीमराव और उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए इसका खुलासा करके रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।